नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए डेंटिस्ट। इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट और अ डेंटल स्टूडेंट, तो आपकी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है और होना कैसा चाहिए। वॉट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू हैव इफ यू आर अ डेंटल स्टूडेंट। मैं छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा कि एटीट्यूड होना कैसा चाहिए। एक बेबी मॉस्क्यूटो पहली बार फ्लाइंग करने के लिए स्टार्ट, तो एक रूम के कॉर्नर में उसके मम्मी पापा और जो बेबी मॉस्क्यूटो था, उसकी मम्मी ने बेबी मॉस्क्यूटो को बोला कि आप स्टार्ट करो फर्स्ट फ्लाइट। तो जो बेबी मॉस्क्यूटो थी वो फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट की और पूरे रूम का एक चक्कर लगाया और वापस अपनी मम्मी के पास चली गई। तो जो मदर मॉस्क्यूटो थी उसने अपनी बेबी मॉस्क्यूटो से पूछा कि हाउ इज योर फर्स्ट फ्लाइट, आपको कैसा लगा उड़ करके। तो बेबी मॉस्क्यूटो ने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे तो बहुत मज़ा आया, एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर मी ऑन अर्थ। इस रूम में जितने लोग थे सब क्लैपिंग कर रहे थे मेरे लिए क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उड़ान भरा था। आप समझ रहे हैं, वो क्लैपिंग नहीं कर रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इट्स नॉट क्लैपिंग, यहाँ वो फर्स्ट फ्लाइट है तो उसके लिए हम क्लैप करें। बट आपने देखा एटीट्यूड चेंज हो, वो बच्चे को ये बात पता ही नहीं था बेबी मॉस्क्यूटो को, उसे मारने के लिए वो क्लैपिंग नहीं हो रही थी, उसे मारने की कोशिश की है। तो इस टाइप का एटीट्यूड लेकर के आपको डेंटिस्ट्री में चलना होगा। लोग आपसे बोलेंगे कि डेंटिस्ट्री में तो स्कोप ही नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे डेंटिस्ट को तो डॉक्टर ही नहीं बोलते हैं। बट ये बोलने वालों का काम है, वो बोलेंगे, आपको प्रूव करना है। और प्रूव करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे स्कोप हैं एंड यू कैन डू बेटर। मतलब कि हमारी सोसाइटी में हर किसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि अगर हर कोई MBBS ही होगा तो ही ठीक होगा, फिर उनके दांतों में दर्द होगा किसके पास जाएंगे, उन्हें RCT करवाना होगा तो किसके पास जाएंगे। तो अपनी एटीट्यूड को आप बहुत ही स्वीट पोलाइट और स्ट्रॉन्ग रखना होगा। कल के डेट पे जब आप अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में आओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इंडस्ट्री में। सेम थिंग आपके कॉलेज लाइफ पे भी डिपेंड करता है। सो प्लीज़ अपने एटीट्यूड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, और आप इस स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ बहुत आगे निकल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारा जॉब है, बहुत कुछ है करने को, बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे फेलोशिप हैं, यू कैन डू anything, whatever यू want टू डू, और आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। इंडिया में भी जो सक्सेसफुल डेंटिस्ट हैं, जो अच्छे डेंटिस्ट हैं, वो बहुत 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 अच्छा अर्न करते हैं, मोर देन 10 lakh rupees a month। ऐसे भी डेंटिस्ट हैं इंडिया में, तो आप भी वैसे ही डेंटिस्ट बनिए। और उनमें और हमें या आप में फर्क यही होता है सिर्फ एक चीज़ का, दैट इज एटीट्यूड। सो प्लीज़ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए और स्वीट रखिए। थैंक यू सो मच।